नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी और आपके साथ मैं हूं विशाल शांडिल्य। मेरे सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा सब्जी मंडी ऊना से आपके साथ लाइव जुड़े हैं। डबल मंडी में आज क्या कुछ अपडेट है, रेट्स में क्या कुछ अंतर है, पिछले हफ्ते से लेकर अब तक कितना उतार चढ़ाव यहां पर दर्ज किया गया है, यह तमाम चीजें आपके साथ साझा करेंगे। सब्जी मंडी से हमारे साथ यहाँ पर सुरेश जी लाइव जुड़ रहे हैं। रेट्स में क्या कुछ अपडेट है, ट्रेडिंग में क्या कुछ चल रहा है, आमद कैसी हो रही है फलों और सब्जियों की, ये तमाम जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। सुरेश जी लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। स्वागत है सर, नमस्कार जी। सुरेश जी, डबल मंडी है तो ट्रेडिंग किस तरह से चल रही है आज? सर आज थोड़ा डोनी है, रेट तेज है लेकिन ग्राहक कम है थोड़ा। डबल मंडी का मतलब कोई इतना फर्क नहीं पड़ा ज्यादा, लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं तो फ्रूट फ्राट की ज्यादा तेजी है। तो रेट्स में तेजी क्यों मानते हैं आप, क्या ऐसा कारण है? जबकि माल कम है सर, अभी आवक हुई नहीं है लोकल सौदे की। Okay. बाहर वाले आ रहे हैं तो बाहर वाले भी क्या नवरात्रों के चलते कम ला रहे हैं क्या? हाँ, सब्जियां थोड़ी कम लग रही है आजकल, लोगों ज्यादा फास्ट होते हैं ना, इस कारण भी थोड़ा फर्क है। तो चलिए प्याज से शुरू करते हैं, प्याज के क्या दाम है आज? प्याज सर नासिक वाला 18 रुपए, यानी कि 15 से लेकर 18 रुपए किलो तक प्याज है। प्याज काफी डाउन आ गया ये जी, अभी और आ जाएगा। हाँ, नवरात्रों के कारण भी है थोड़ा, वैसे भी नई फसल शुरू होगी ना गर्मियों में। मथानिया और लहसुन के क्या है जी? लहसुन सर 40 रुपए किलो है। 40 रुपए किलो अदरक? अदरक सर 40-45 क्वालिटी वाइज जी। ये दो क्वालिटी आ रही है क्या? हाँ, इसमें क्वालिटी अलग। ये सर इधर बेंगलोर साइड तो बाहर का ही है। हाँ जी। और इसके अलावा अगर बात करें आलू के क्या हाल है? आलू सर जो नए वाला वो 600 रुपए का कट्टा है, जो पुराना 550 का है। तो नवरात्रों में आलू की तेजी नहीं है क्या? हाँ, आलू में थोड़ी तेजी आ गई, 10-20 रुपए कट्टा महंगा हो गया। और गंडियाली की पूछ हो रही है कि? गंडियाली नहीं बिकी सर, लेकिन गंडियाली नहीं खा रहे लोग, गंडियाली की हालत खराब है। गोभी के क्या हाल है जी? गोभी सर 20-25 रुपए किलो बिक रही है। 20-25 रुपए ये फूल गोभी? जी जी। और पत्ता गोभी? पत्ता गोभी सर 10-12 रुपए किलो। 10-12 रुपए किलो जी। खीरा क्या दाम है जी आजकल? खीरा सर जो लोकल है वो 18-20 रुपए बिका है। Okay. जो यहाँ का ऊना का चला है, जो ये बाहर से आ रहा है पंजाब साइड से, तो 10 रुपए किलो भी नहीं ले रहा कोई। इसमें क्या दिक्कत आ रही है जी? थोड़ा मोटा है, थोड़ा साइज में फर्क होता है, क्वालिटी में थोड़ा फर्क हो जाता है। ओके, अगर हम बात करें सब्जियों की यहाँ पर, तो हरी मिर्ची के क्या आदेश हैं? हरी मिर्ची सर 40 रुपए किलो बिक रही है, डाउन आ गई है। हरी मिर्ची काफी डाउन आ गई है। और कद्दू के क्या आदेश हैं? कद्दू सर जो गोल वाला कद्दू है वो 18-20 रुपए किलो बिका, जो लंबे वाली जुगनी है जी, ये 10-15 रुपए बिक रही है। ओके, और ये अरबी के क्या हाल है जी आज? अरबी सर 20 रुपए किलो। अरबी 20 रुपए बिक रही है यानी कि? हाँ जी। और लौकी? लौकी सर वही 20-25। और घिया? घिया सर 30-35 रुपए बिका, क्वालिटी वाइज माल जो लोकल था वो 35 रुपए किलो घिया बिका है। लोकल शुरू हो गया लेकिन? हाँ, लोकल आ रहा है लेकिन थोड़ा कम आ रहा है। शिमला मिर्च के क्या आज? शिमला मिर्च सर 45-50 रुपए किलो बिक रही है। और टमाटर? टमाटर बिका सर 20-22 रुपए किलो। 20-22 रुपए जी। और अगर हम बात करें यहाँ पर और सब्जियों की, तो यहाँ पर हमारे बीच मूली का क्या हाल चल रहा है? मूली सर 7-8 रुपए किलो बिक रही है। और शलगम है जी? नहीं सर, शलगम तो अब खत्म हो गया। खत्म हो गया है जी। हरा धनिया क्या दाम चल रहा है? हरा धनिया सर 30-35 रुपए किलो है। नींबू में काफी तेजी थी पिछले हफ्ते, नींबू के क्या हाल है? सर आज तो मेरे का 200 से ऊपर चढ़ गया नींबू। नींबू मंडी में जी? हाँ, 230 रुपए किलो है। नींबू आ ही नहीं रहा कहीं से भी, फसल कम है। नींबू में हालत ज्यादा खराब है। तो बैंगन के क्या हाल है? बैंगन सर जो लोकल वाला वो बिका है 25-26 रुपए किलो। ओके, तो जो बाहर से आ रहा है पंजाब साइड से वो भी मतलब 22-23 रुपए किलो, रुपया 2 रुपए का फर्क है उसमें। और गाजर में क्या कुछ तेजी है? गाजर सर 20 रुपए किलो, अब तो खत्म होने वाली है गाजर। तो तेजी होगी थोड़ी सी? हाँ जी, हाँ जी, फुल तेजी है जी गाजर में, फुल तेजी। पुदीने के क्या हाल है जी? पुदीना सर बिका है 100-120 रुपए किलो। ओके, और तर आ रही है जी? तर हाँ आ रही है, थोड़ी बहुत आ रही है, 35-40 रुपए किलो बिक रही है तर। 35-40 लेकिन अभी इतनी स्टार्ट नहीं हुआ, थोड़ी कम ही है, कहीं 1-2 नग आते हैं पूरी मंडी में। ब्रोकली आ रही है जी? ब्रोकली नहीं आई सर अभी, लेकिन हाँ नहीं आ रही है अभी। फ्रांस बीन के क्या हाल है आज? फ्रांस बीन सर 60 रुपए किलो बिकी है। 60 रुपए किलो जी, यानी कि अभी फ्रांस बीन के आने वाले दिनों में फ्रांस बीन के दाम चढ़ने की उम्मीद है जी? नहीं, अब थोड़ा डाउन हो जाएंगे, अभी नई फसल यहाँ लोकल आ जाएगी तो कम हो जाएगा दाम। फ्रांस बीन की लोकल फसल भी निकल गई? हाँ जी, आने वाली है। ओके, तो फलों की तरफ थोड़ा रुक कर लेते हैं क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं, उससे पहले पालक बता दीजिए, पालक के क्या हाल है? पालक सर 10 रुपए किलो, पालक तो मंडी है, पालक मंडी चल रही है जी, जी। सेब के क्या हाल है जी? सेब सर 1000 से लेके 1500 रुपए तक की पेटी है। 1000 से 1500 रुपए जी। और केले के क्या हाल है जी? केला सर 410-420 रुपए बिक रहा है। 410-420 जी जी। और अगर बात करें यहाँ पर जी, तो अमरूद के दाम क्या है? अमरूद भी सर 35-35 रुपए तो ले गए, 45-50 रुपए तक अमरूद है। ओके, और पपीता? पपीता सर 25 रुपए किलो।
25 रुपए किलो जी। हम अंगूर के क्या है जी, अंगूर की तीन किस्में आपके यहाँ पर आती है? सर 500 से स्टार्ट है, 750-800 तक है। 750-800 ये नवरात्रों का असर माना जा सकता है? हाँ, इसमें तो अब वैसे भी एंड होने वाला है इसका फसल का भी ना, फिर उसके बाद स्टोर चलेगा। तो अगर आप कोई अपडेट देना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। संतरे के क्या है जी आज? संतरा सर नागपुरी संतरा बिक रहा है 60 रुपए से लेके 80 रुपए किलो तक। 60 से 80 जी। और मौसमी के क्या है जी? मौसमी सर 600 का कटा है। अनार के दाम क्या है जी आज? अनार सर 700 से लेके 1050 तक। 700 से लेकर 1050। हाँ, इसमें क्वालिटी का फर्क होता है, क्वालिटी वाइज बिक रहा है। कहाँ कहाँ से आ रहा है जी अनार अभी? अनार है तो नासिक का ही है सर, लेकिन इसमें एक ये है जो ये 700 का डिब्बा है, इसमें थोड़ा कलर कम है। ये जो कंधारी अनार है वो 1050 के करीब लगा हुआ, जो लाल होता है। 1050 जी जी। तो अगर हम बात करें तो अब जो सेब है वो तो शायद स्टोर से ही आ रहा है? हाँ, स्टोर का ही आ रहा है। एक अब एक्सपोर्ट क्वालिटी का भी आ रहा है, वो 1500-1600 का डिब्बा है। ओके। जो बाहर से आ रहा है, एक किन्नौर वाला है वो भी महंगा है सर। यानी कि अभी जो है वो आने वाले दिनों में सेब के रेट्स में आपको कोई कमी होती नहीं? नहीं, इसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि जब तक नई फसल नहीं आई तब तक कोई कमी नहीं आएगी सर। नई फसल तो अगस्त महीने में ही जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगस्त सितंबर में आती है सर। तो सब्जियों के दाम, फलों के दाम आपके साथ हम साझा कर रहे हैं। स्ट्रीम को जरूर शेयर कीजिएगा। सब्जी मंडी ऊना से लाइव अपडेट लेकर आपके बीच लाइव जुड़े हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, डबल मंडी है आज, लेकिन फिर भी ट्रेडिंग बहुत कम है। अगर बाहर देखें हम तो बहुत कम लोग यहाँ पर मौजूद हैं आज, क्या कारण इसका मानते हैं? मेन कारण नवरात्रे है, लोगों ने फास्ट रखे हुए हैं जी, तो सब्जी कम लग रही है सर। इसका मेन मुख्य कारण यही है, नवरात्रे के कारण फ्रूट फ्राट में ज्यादा तेजी है, बाकी सब्जी कम बिक रही है। आमद के कारण रेट भी ज्यादा है, तो नवरात्रों के बाद क्या कुछ व्यवहार उम्मीद कर सकते हैं? देखो शायद कुछ तेजी आएगी बाजार में, ग्राहक बढ़ेगा नवरात्रे के बाद जी। अभी कुछ मतलब अंदाजा लगाना भी मुश्किल ही है, क्योंकि आजकल लोग मटर, हमारे साथ ऋषभ कश्यप जी जुड़े हैं, वो पूछे हरे मटर का दाम बता दीजिए। हरा मटर सर 35 रुपए किलो बिक रहा है, कुल्लू वाला है। कुल्लू वाला हरा मटर। देवेंद्र ठाकुर जी पूछ रहे हैं जिंजर अदरक के क्या हाल है? अदरक सर 35 से 40 रुपए। और ऋषभ कश्यप जी ने फिर से गोभी पूछी है, गोभी सर 25 रुपए किलो बिक रही है। 25 रुपए किलो, और पत्ता गोभी 10 से 12 रुपए किलो के बीच में है। तो ये कुछ हालात यहाँ पर सब्जी मंडी में है। और मटर आपके साथ हमने साझा किया जाए, अभी एक बार फिर से अपडेट कर दीजिए। मटर सर 35 रुपए किलो, 35 रुपए किलो बढ़ रहा है। तो मटर का अब यहाँ से क्या मान सकते हैं कि सीजन बढ़ेगा? अभी तो सर कुल्लू वाला स्टार्ट है, लोकल तो है नहीं है, खत्म हो गया, वो ऊपर वाला आ रहा है। ओके, और रेट बढ़ने की गोभी, गोभी को लेकर क्या? गोभी भी ऊपर वाली आएगी तो रेट बढ़ेगा उसका भी, उसका भी रेट लोकल खत्म होने वाली है। और शिमला मिर्च एक बार अपडेट कर देते हैं। शिमला सर बिकी है 45 से 50 रुपए किलो। 45 से 50 रुपए। तो अगर सबसे महंगी सब्जी यहाँ पर देखी जाए तो इस वक्त कौन सी सबसे महंगी सब्जी आज यहाँ पर सब्जी मंडी में है? फिलहाल तो शिमला ही महंगी है, या फिर नींबू को हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा महंगा है, लेकिन वो ज्यादा इतना यूज नहीं होता ज्यादा। शिमला महंगी है, प्यास भी महंगी है। ओके, वो 60 रुपए किलो बिक रही है। धन्यवाद सुरेश जी। तो ये कुछ अपडेट हैं सब्जी मंडी से। अगर हम बात करें, लगातार रेट्स हैं वो यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं, और इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए तो नवरात्रों का भी काफी असर ट्रेडिंग पर देखा जा रहा है। लाइव 10 टीवी के लिए सब्जी मंडी ऊना से वीडियो जर्नलिस्ट शिवम शर्मा के साथ विशाल शांडिल्य।